आइए भाभी, हम आपको भैया के जीते हुए अवार्ड्स दिखाते हैं। तुम तो ऐसे बात कर रही हो जैसे मैं पहली बार ऑफिस आई हूँ। हाँ तो आई होंगी, लेकिन मिसेस भाई राजा बनके तो आज आप पहली बार आ रही है ना। एक बार सारी चीजें मिसेस भाई राजा बनके देखिए, सब नया जैसा लगेगा। नंदिनी तुम भी ना। आइए भाभी, ये देखिए बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ द ईयर का अवार्ड लास्ट ईयर मिला भैया को। और ये वाला से बातें कर रहे थे तो इसीलिए हमने देखा ही नहीं। मुझे माफ कर दीजिए, गलती मेरी थी, मुझे देख के चलना चाहिए था। बार बार गलती करके माफी मांगना अच्छी बात नहीं। नन्ही वो भाभी, हम बाहर गाड़ी में आपका इंतजार कर रहे हैं। ठीक हूँ। तुम्हारे घर से जाने के बाद घर की हर एक चीज तुम्हारी याद दिलाती है दीदी। मैं और दादी तुम्हें बहुत मिस करते हैं, बहुत मिस करते हैं। राजा को इस प्रोजेक्ट पे कोई एतराज नहीं तो मेरे लिए भी प्रोजेक्ट ठीक है, मुझे कोई एतराज नहीं। लेकिन हम आपकी राय भी जानना चाहते हैं। मेरी राय यह है कि भाई राजा मेरे बिजनेस पार्टनर ही नहीं बल्कि मेरे रिश्तेदार भी हैं और मुझसे बहुत सीनियर है। कंपनी के हक में वो कोई भी डिसीजन लेंगे अच्छा ही हो, और आज से भाई राजा कोई भी डिसीजन इस कंपनी के लिए अकेले ले सकते हैं। मुझे इसमें कोई एतराज नहीं बल्कि मैं उनके हर फैसले में साथ रहूंगा। जाइए। आर्यन, तुम इस कारोबार के बराबर के हिस्सेदार तो फिर कारोबार के फैसले हम पर काहे छोड़ रहे हो? कभी कभी अपनों की खुशी के लिए जिंदगी में समझौते करने पड़ते, वही मैंने भी किया है भाई राजा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? जीत, कभी कभी करोड़ों के फायदे के लिए छोटी मोटी कुर्बानी देने का दिखावा तो करना ही पड़ता है। मैं अपना बदला लेकर रहूंगा भाई राजा, और जरूर लूंगा।
नंदिनी। भाभी हम ठीक हैं, चले चलते हैं। लीजिए भाभी जी, ये शहर का सबसे बढ़िया और अच्छा मॉल है। यहाँ पर जरूरत की हर चीज बहुत आराम से मिल जाती है। क्यों नंदिनी जी? हाँ। अभी सबसे पहले वो चीज लेते हैं जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत है। हाँ जी, नंदिनी जी के लिए। चलें, कहीं स्टॉक खत्म ना हो जाए। चलिए। चलें, अब वो प्रिंस कह रहा था ना, आगे कहीं हंसी मिलती है। चलो। को हंसी नहीं आ रही, देखिए ना। आप अपने आप को बहुत बड़ा कॉमेडियन समझते या यहां पे कोई कॉमेडी शो चल रहा है, या फिर आपने सबको हंसाने का ठेका लिया हुआ है? अगर आप किसी के दुख दर्द में शामिल नहीं हो सकते तो कम से कम उसका मजाक मत उड़ाइए। आइंदा से हमारे साथ ऐसा बेहुदा मजाक करने की कोई जरूरत नहीं है। प्रिंस की तरफ से सॉरी मैं मांगती हूं, अब तुम मुझे ठीक कर लो। कितने सुंदर कुर्ते हैं, आओ ना। नंदिनी, भाभी अगर आपकी शॉपिंग हो गई है तो घर चलें। मैं पहली बार तुम्हारे साथ शॉपिंग पे आई हूँ, थोड़ी देर और रुकते हैं। यहाँ पे सिवाय शोरगुल के और कुछ भी नहीं है भाभी। ठीक है, हम थोड़ी देर और रुकते हैं फिर चलते हैं। हाँ
हमारा बिल्कुल मन नहीं कर रहा भाभी। मेरे लिए भी नहीं। चलो ना, उसके बाद चलेंगे। हाँ नंदनी, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। कहिए। जो बात मैं तुमसे कहना चाह रही थी उसका मौका मुझे मिल ही नहीं रहा था, और आज जब मौका मिला है तो समझ में ही नहीं आ रहा कि कैसे बोलूं। नंदनी, दरअसल मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। मेरे मायके वालों ने तुम्हारा जो अपमान किया है उसकी भरपाई तो मैं नहीं कर सकती, लेकिन शायद तुमसे माफी मांगकर तुम्हारे दर्द को बांट तो सकती हूँ। नहीं भाभी, ऐसा मत कहिए। नहीं नन्नी, मुझे बोलने दो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारा दुख नहीं देख सकती? क्या तुम्हारे भैया तुम्हारी नकली हंसी के पीछे तुम्हारी उदासी नहीं देख सकते? तुमने नहीं देखा नंदनी, लेकिन मैंने देखा है। जब तुम तीर्थ यात्रा पर गई थी तो उन्हें एक एक मिनट में तुम्हारा नाम लेते हुए देखा है। तुम्हारी खुशी से उनकी खुशी है नंदनी, और मुझे लगा कि अगर मैं तुमसे माफी मांग लूं और तुम्हारी उदासी थोड़ी कम कर दूं तो मेरी ननद के साथ साथ मेरे पति भी खुश हो जाएंगे। नहीं भाभी, आपका क्या दोष है जो आप हमसे माफी मांगेंगी? हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो तो हमारी किस्मत का लिखा था। उल्टा आपने तो हमारे घर में आके हमारे घर को कितनी सारी खुशियां दी हैं। हमने जो मन्नत रखी थी हम ऐसी हजार मन्नतें रख सकते हैं भगवान का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने हमें आप जैसी भाभी दी, और भैया के ही चरणों में तो हमारा स्वर्ग है। आप दोनों से ही तो हमारी दुनिया है, और आप हमसे माफी मांग रही हैं। आप आइंदा से ऐसी बात नहीं कहेंगे। तो क्या वाकई में मेरी गलती नहीं है नंदनी? कैसी बातें कर रही हैं आप भाभी, आपकी इसमें कोई गलती नहीं है। तो फिर उदास रहकर मुझे और अपने भैया को क्यों सजा दे रही हो नंदनी? क्यों? तुम्हारी खुशी से मुझे और तुम्हारे भैया को खुशी होती है। हटा दो इस दुख को, खुश रहना सीखो। बोलो नंदनी, खुश रहोगी ना तुम? नंदनी बोलो। हमें माफ कर दीजिए भाभी, हम बहुत खुदगर्ज हो गए थे। हम ये भूल गए थे कि हमें दुखी देख के आप और राजा भैया भी दुखी हो जाते हैं। हम वादा करते हैं हम अब कभी दुखी नहीं होंगे। हमें माफ कर दीजिए भाभी। पगली, अगर तुझे माफी मांगनी है तो किसी और से मांग, जिसका तूने बिन बताए आज दिल दुखाया है। आओ मेरे साथ। जी, हमें एहसास हो गया है हमने गलती की थी, हम इसीलिए माफी मांगने आए हैं। हमें माफ कर दीजिए। सॉरी बोलने से काम चलेगा? तो हमें माफी मिलेगी ना? हम कान पकड़ के माफी मांगते हैं। ठीक है,
तो अब हम सबके सामने कान पकड़ के उठक बैठक करके आपसे माफी मांगते हैं। जी जी, ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज नंदनी जी, देखिए प्लीज ऐसा मत कीजिए, सब लोग देख रहे हैं, प्लीज। आपको पहले हमें माफ करना होगा, तभी हम रुकेंगे। नंदनी जी प्लीज रुक जाइए, देखिए सब लोग देख रहे हैं। पहले माफी। अच्छा माफ किया। बड़ी जल्दी माफ कर दिया आपने। हम कान पकड़ के सबके सामने उठक बैठक कर रहे थे, अच्छा लग रहा था क्या? आप पहले माफ नहीं कर सकते थे हमें? लगता है सुलह हो गई। चलो अब ये आइसक्रीम खाकर अपना दिमाग भी ठंडा कर लो। लो पिघल रही है। इसके लिए हम माफी नहीं मांगेंगे। गिफ्ट सबके लिए लाई हूं, लेकिन सबसे पहले अपनी माँ के लिए। भाभी, हमारा गिफ्ट भूल गई ना? आंखें बंद करो, आंखें बंद करो। ओके। आंखें ना, नॉट चीटिंग। मैं देख रही हूँ। आंखों की थोड़ी नहीं। नहीं, अब आंखें खोलो। भाभी ये कितना सुंदर है। और इसके हर रत्न का अपना महत्व है। ये रत्न तुम्हें खुशी देगा और ये तुम्हारी रक्षा करेगा। इन सब रत्नों से तुम्हें सिर्फ खुशियां ही मिलेंगी और तुम्हारी खुशी में ही हमारी खुशी है ना? थैंक्स भाभी। इन खुशियों पर ग्रहण जल्द से जल्द मैं लगाऊंगी। इन खुशियों को मैं नंदिनी के आंसू में बदल कर रहूंगी।